एमआई की 32 इंच एलईडी आप पा सकते सिर्फ 7000 रुपए में और गोदरेज की सिंगल डोर फ्रिज आप पा सकते सिर्फ 8000 रुपए में। चौंकिए मत, ये सब पॉसिबल है क्योंकि कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स चला रहे 50% कैशबैक ऑफर जिसका नाम है 10 का दम। जी हाँ, उल्लासनगर के टिल्सन मार्केट में स्थित कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पा सकते हैं सभी ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे कम दाम और साथ ही आपको मिलेंगे 0% फाइनेंस ऑप्शन भी। तो आज ही आइए कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक्स उल्लासनगर। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर के सेंचुरी कंपनी परिसर में शनिवार सुबह जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। जानकारी के अनुसार कंपनी में आए टैंकर नंबर MH04GC2487 में 23 सितंबर सुबह 11:15 बजे ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई और 2 लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर कामगारों के परिजनों में माहौल अफरा तफरी का नज़र आया। लोगों को जानकारी नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते कुछ समय के लिए माहौल गहमा गहमी का हो गया। जानकारी यही है कि वो है नहीं, मतलब खत्म हो गया। अरे अच्छा, कितने लोग हादसे में, कितने लोग? कुछ पता नहीं है सर। कंपनी के कुछ आप वहाँ से कुछ आए थे पूछने के लिए, आपसे जानकारी लेने के लिए? नहीं, मेरा बड़ा भाई गया अंदर। आपका बड़ा भाई गया हुआ है? क्या नाम है भाई का? भाई का नाम क्या है? श्री श्रीराम। जो अंदर था उसका नाम क्या था? डिपार्ट बताए, बोल रहे हैं वहाँ कुछ नहीं होना है, बोल रहे हैं रो रहे हैं सब, जाने दो हमको, बुला दो उनको बाहर, नहीं बुला रहे हैं, बोल रहे जाओ हॉस्पिटल में, जाओ हॉस्पिटल में जाओ। ऐसे कांटेक्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी, नहीं, खाली मुँह से बोल रहे हैं, अभी पता नहीं ठीक है क्या है, वो तो वही जानेंगे ना। क्या आपको अंदर जाने दिया जा रहा है? नहीं जाने दे रहे हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, बोल रहे नहीं जा। हम उसको लेने को आए पर वो छोड़ रहे नहीं है, और ये दुर्घटना हुई है। वापस और को जो उससे अच्छा हो उनको सबको बाहर छोड़े, हम उसको बोल रहे हैं, तो हमको किसको, परिवार वाले को भी नहीं जाने दे रहे अंदर। नहीं नहीं कुछ भी नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बता रहे, फोन भी नहीं लग रहे उनके और फोन पे बात भी नहीं कर रहे हो। ये कुछ तो भी 11 बजे के आसपास हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक कुमार हलानी, विधायक रोहित पवार, पूर्व विधायक पप्पू कालानी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, भारत गंगोत्री, जमनू पुरस्वानी, महेश तपासे आदि सेंचुरी अस्पताल पहुंचे। कई नेता यहां पहुंचे पर घटना स्थल तक कोई भी नहीं जा पाया क्योंकि उस जगह को बंद कर दिया गया था। इस बात को लेकर भी नाराजगी दिखी। जो हमको हॉस्पिटल में आने के बाद पता चला है उसमें अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ है और 5 लोग हॉस्पिटल है में है, जिसमें से 2 लोग आईसीयू में है। लेकिन जो लोग आईसीयू में उनको भी जाके हम मिले, उनको थोड़ा सा इंजरी दिख रहा है और एक व्यक्ति को फोर्टिस हॉस्पिटल में लिया गया है, उसके हाथ को थोड़ा लगा है, ऐसे डॉक्टर कहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक व्यक्ति का मृत्यु हुआ है उसके बारे में भी उसको न्याय कैसा मिले, अभी उनके फैमिली से हमारा बात हुआ, डॉक्टर से बात हुआ, तो उसके लिए हम फॉलोअप करेंगे, कंपनी से भी बात करेंगे। लेकिन जो जिसको जिसको इंजरी हुआ है उसके बारे में डॉक्टर ने कहा है कि ऑल आर आउट ऑफ रिस्क, टेंशन लेने की बात नहीं, ऐसा डॉक्टर का कहना है। इस कंपनी में बार बार घटना होती है, जांच का आश्वासन दिया गया, लेकिन कभी जांच तक कंपनी की घटना की जांच होगी? ऐसे अगर घटना पहले हुई होगी, अगर वापस वैसे ही घटना अभी हुई होगी तो 100% उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काम करने वाले लोग गरीब होते हैं, पूरा फैमिली उस एक व्यक्ति पे निर्भर होता है। अगर ऐसी ही घटना और एक बार घड़ी तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है, पास वाला व्यक्ति जिस पे वो प्यार करते हैं वो हम में से निकल जाते हैं। इसीलिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, अगर पॉलिसी है तो वो फॉलो की जाती है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। अभी भी घटना स्थल पे मीडिया हो या किसी नेता हो, किसी को भी जाने का अलाउ नहीं है, अभी भी बार बार ये घटना हो रही है। उसके बारे में हम भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेंगे, हमको जैसे ही पता चला कि एक ब्लास्ट यहाँ पे हुआ है, मैं यहाँ पे था, महेश राव यहाँ पे थे, हमारे सब पदाधिकारी थे, तो इमीडिएटली हमारा जो भी प्रोग्राम था वो कैंसिल करके हम अभी हॉस्पिटल में हैं, सिर्फ पेशेंट से मिले और फैमिली मेम्बर से मिले। लेकिन अगर आगे जाके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हमको मिलती है तो डेफिनेटली उस पर ध्यान देते हुए
किसी पे अगर अन्याय हो रहा हो तो वो उनको न्याय कैसा मिले, इसके लिए हम जो यूनियन है उनके साथ रह के उनको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। सर, हादसा होने के बावजूद भी रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जा रही है, हादसा होने के बाद 2 घंटे के बाद रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जा रही है। अभी वही पेशेंट ने हमको कहा गया, ये गलत चीज़ है, ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि फैमिली डरी हुई होती है। अगर डरी हुई फैमिली को उनके पेशेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो वो डर और बढ़ जाता है, और अनफॉर्चुनेटली अगर एक व्यक्ति हम में से निकल जाता है, उनका मौत उसमें हो जाती है, तो उस उनको जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं तो वो डॉक्यूमेंट देने के लिए कहाँ भी विलम्ब नहीं होना चाहिए, इस बारे की दक्षता इस कंपनी ने लेनी चाहिए। देखिए, सवेरे 11:30 बजे सेंचुरियन में एक टैंकर का ब्लास्टिंग हुआ, हमें जैसे ही मालूम पड़ा फ़ोन में, इसके आसपास के इलाकों में सब जगह 1-2 किलोमीटर के आसपास अंदर एकदम धमाका हुआ और मालूम पड़ा कि सेंचुरियन कंपनी में एक टैंकर फटा है। तो हमने कोशिश की सेंचुरियन कंपनी में अंदर जाने की, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी और पुलिस डिपार्टमेंट ने मना किया कि किसी को भी अंदर जाने के लिए मना किया गया है, अंदर छानबीन चल रही है, पुलिस डिपार्टमेंट सब अंदर है। तो फिर हम सेंचुरियन हॉस्पिटल में आए, सेंचुरियन हॉस्पिटल में आए, वहाँ पे जो सेंचुरी के लोग इंजर्ड हुए थे उनसे मिले, तो उसमें एक आदमी बहुत सीरियस था, शैलेश करके नाम था उनका, बाकी 4 लोग को जिनको धक्का लगा था उनसे पूछा आपको कैसे हुआ क्या हुआ, तो किसी ने बताया मुझे सर पे गिलास लगा, किसी ने बताया मुझे पाँव में गिलास लगा ब्लास्टिंग के समय में, 2 आदमी ने बताया मुझे मालूम नहीं पड़ा ऐसा, मैं अपने आप डर सा माहौल पैदा हो गया क्योंकि इतनी बड़ी ब्लास्टिंग हुई 1-2 किलोमीटर आसपास में, जितने भी लोग रहते हैं चाहे धोबी घाट के पास आसपास मारल में या शायद गावठन 1 नंबर, ये ब्लास्टिंग एकदम बड़े पैमाने पे हुआ है। और अंदर जो मालूमात पड़ी है पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू कि 2 आदमी डेथ हुए हैं और 4 आदमी इंजर्ड है, बाकी छानबीन चल रही है, पुलिस डिपार्टमेंट और कंपनी के सब लोग अंदर ही है और हम लोग सेंचुरी हॉस्पिटल में है। देखिए, दुर्भाग्य है कि किसी लोक प्रतिनिधि को अंदर नहीं जाने देना, इससे इस बात की शंका निर्माण होती है कि सही आंकड़ा क्या कंपनी द्वारा छुपाया जा रहा है, या जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें जो शव हैं उनकी परिस्थिति बहुत भयानक होगी, ये सारे अंदाजे लगाए जा सकते हैं। लेकिन लोक प्रतिनिधि का एक अधिकार होता है, वह हमेशा लोगों द्वारा चुना हुआ लोक प्रतिनिधि को तुरंत प्रभाव से अंदर जाने देना चाहिए था, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए कि कंपनी में एक ब्लास्ट होता है और 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है, उसकी गूंज सुनाई देती है, तो यह कहना पड़ेगा कि कंपनी की सुरक्षा में चूक हुई है। अब कंपनी में सुरक्षा में चूक हुई है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और मजदूरों का जो हाल है, जो मजदूर वहाँ काम करते हैं उनके जीवन का ये सबसे दुखद घटना होगा जो चले गए हैं। जहाँ तक इंस्पेक्टर फूल पगारे जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं उनका कहना है कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है, और जिन लोगों से मैं मिला हूं उनमें 2 लोग तो बिल्कुल स्वस्थ थे और 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे और वो भी खतरे से बाहर दिखाई दे रहे थे। ये जो आंकड़े हैं मुझे यहां से मिले हैं, इसकी कोई मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, हो सकता है ज़्यादा हैं, हो सकता है कि कम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हम यही मांग करेंगे कि असुरक्षा की जो भी कारण है उसके खोजे जाएं और सरकार द्वारा कोई एक समिति बनाई जाए जिसकी यह जांच हो और दोषी जो भी हैं उनके अधिकारी उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो। और रही बात जो हमारे मजदूर लोग जिनकी हो गई है उनके परिवार को कंपनी ने पूरी तरह से मुआवजा देना चाहिए, उनके परिवारों को सदस्यों को उसकी स्थान पर नौकरी देनी चाहिए, और उनके बच्चे छोटे हैं तो उनके शिक्षा का पूरा खर्च कंपनी ने उठाना चाहिए, यह हमारी मांग है। और जब हम ये मांग करते हैं हम ये मांग मना कर रहेंगे, ऐसी स्पष्ट भूमिका हम भारतीय जनता पार्टी वाले ले रहे हैं। और मैं हमें फिर से कंपनी के जितने भी अधिकारी हैं वह इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी किसी चीज़ को अगर दबाएंगे तो आंदोलन होगा और तीव्र आंदोलन होगा। दिस फेस्टिव सीजन मीट ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। क्रिस्टल फाइनेंस व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्बर्सल, इजी हैसल फ्री प्रोसेस, डोर स्टेप प्रोसेस, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर।
Contact us today for personal loan offer.